मैं कुछ दिन पहले ऑफलाइन मार्केट विजिट किया था। ऑफलाइन स्टोर वालों से मैं पूछा कि 20,000 के आसपास कौन सा फोन ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा करके गेमिंग सेगमेंट में। तो उन्होंने मुझे बोला है कि पोको X4 प्रो ज्यादा बिक रहा है। उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट में देखा और फ्लिपकार्ट में भी काफी अच्छा सेल हो रहा था, काफी अच्छा रेटिंग के साथ। और मुझे बहुत सारे भाई लोग भी कमेंट कर रहा था कि पोको X4 प्रो कितना अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक महीने तक इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ। आप लोगों ने सवाल करे और मैं उसका आंसर ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। आज इस वीडियो में क्लियर करके मैं आप लोगों को कि एक महीने यूज करने के बाद पोको X4 Pro 5G मुझे कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर ये फोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो। पोको जाना जाता है गेमिंग के लिए, लेकिन इस फोन में ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। इसका जो डिस्प्ले है ना वो खतरनाक है, 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है और काफी अच्छा डिस्प्ले है, काफी बड़ा डिस्प्ले है। अगर आप ज्यादा मूवी, ज्यादा यूट्यूब में लग रहते हो, ज्यादा हॉटस्टार में लग रहते हो या ज्यादा नेटफ्लिक्स में लग रहते हो तो आपके लिए ये फोन डेडिकेटेड करके बनाया गया है, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो खतरनाक है। AMOLED डिस्प्ले की वजह से वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है ना वो इतना अच्छा मिलता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जब आप लोग एक्सपीरियंस करोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। इसके डिस्प्ले में और एक चीज मुझे अच्छा लगा, जो बेजल्स वगैरह है ना वो बहुत ही पतला है। 20,000 के आसपास जो सारे फोन आता है उसका बेजल्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन इस फोन में पतला है। उसके वजह से ना मेरे हाथों में जो सारे भाई लोग फोन को देखता है वो सारे भाई लोग बोलता है यार ये तो बहुत प्राइस में मिलता होगा, लेकिन मैं बताया कि 20,000 में मिलता है। तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा। मैं आउटडोर में भी काफी देर तक इस फोन को यूज किया हूं, आउटडोर में काफी अच्छी तरीके से दिखाई देता है। मैं स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन फिर भी मैं टेम्पर ग्लास लगा के रखता हूं। मुझे पता है अगर गिर जाए ना तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 या 10 या कुछ भी आ जाए, कितना पावरफुल ग्लास आ जाए, अगर सही ढंग से गिरेगा तो टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि टेम्पर ग्लास लगा के रखो ताकि जो डिस्प्ले हो सही सलामत रहेगा। यार न्यू फोन में क्रैचेस वगैरह आ जाए या टूट जाए तो अच्छा लगेगा क्या? तो इसीलिए टेम्पर ग्लास लगा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट मिलता है, काफी पावरफुल चिपसेट है, 5G चिपसेट है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। मैं खुद गेमिंग टेस्ट किया हूं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इतना अच्छा किलर एक्सपीरियंस मुझे मिला है क्या ही बताऊं, जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस है। नहीं तो कोई लैग, जिटर, फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दिया, स्मूथली चल रहा था। और यहां पे स्मूथ अल्ट्रा एक्सट्रीम करके भी खेल पाओगे तो ये सबसे बड़ी बात है। जो लोग ज्यादा गेमिंग में लगे रहते हैं उन लोगों के लिए ये सेटिंग बहुत मायने रखता है। गेमिंग के टाइम में ये फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। पोको जाना जाता है तो हीटिंग के लिए, पोको का और एक नाम हीटिंग भी है, लेकिन इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हीटिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं खुद टेस्ट किया हूँ, 2-3 घंटे तक कंटिन्यू मैं पबजी खेल रहा था और उसके बाद भी उतना ज्यादा हीट नहीं हुआ था। ये मुझे सरप्राइज किया पोको के फोन में। हमारे पास है 6GB 128GB, इसका जो रैम मैनेजमेंट है ना वो भी बढ़िया है। मैंने लगभग 14-15 एप्लीकेशन को ओपन किया था, 3-4 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने जब चेक किया ना, हर एक ऐप अच्छी तरीके से रैम में था, जिस जगह से छोड़ा था उसी जगह से ओपन हो रहा था। तो इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो भी किलर है और रैम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारे लोग इसका तारीफ करने वाला है। सच में इसका रैम मैनेजमेंट जबरदस्त है। डिजाइन के पास देखोगे, इसका जो डिजाइन है वो खतरनाक है। बहुत सारे लोग इसके डिजाइन के लिए ही फोन को खरीदेगा। पोको के फोन में डिजाइन उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस फोन में डिजाइन खतरनाक है। ग्लॉसी पैनल वगैरह दिया है, हाथों का निशान थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन मैं बैक केस ज्यादातर यूज करता हूं और कभी कभार बैक केस के बिना भी यूज किया था, लेकिन क्रैचेस वगैरह उतना मुझे नोटिस नहीं हुआ है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हेवी वेट है, तो अगर आप एक हाथों से फोन को ज्यादा टाइम तक यूज करोगे ना तो आपके हाथ थोड़ा सा दुखने लगेगा, थोड़ा सा हेवी फोन है। यहाँ पे पोको के फोन में थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, पोको के हर एक फोन मैंने देखा हूँ हेवी वेट के साथ आता है। तो अगर पतला फोन लॉन्च करना शुरू कर दे पोको, ओवरऑल किलर फोन रहने वाला है। ऐसे भी हैंड फील बढ़िया है, फ्लैट एजेस की वजह से प्रीमियम जैसा लुक और फील भी देता है, यूज करने में मजा आएगा आपको। 5000mAh का बैटरी मिलता है, इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट डेडिकेटेड मैंने किया हूँ। 50% तक कैमरा ओपन करके रखना, उसके बाद 50% यहाँ पे गेमिंग करना, फोन में बहुत प्रेशर पड़ता है तो इसीलिए जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन भी होता है। लेकिन ये फोन काफी अच्छा मेंटेन किया है, 6.5 घंटे तक दिया है और ये बहुत बड़ा टाइम माना जाता है। अगर आप लोग डे टू लाइफ यूज करोगे वहां पे 1.5 दिन तक जाएगा, वहां पे कोई भी शिकायत नहीं रहेगा, 1.5 दिन आराम से जाएगा। अगर आप डे टू लाइफ यूज करोगे, कॉल वगैरह कर लेना, थोड़ा बहुत मैसेजेस कर लेना, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसे ही नॉर्मल यूज कर लेना, इंस्टाग्राम वगैरह, तो इस तरीके से यूज करोगे तो 1.5 दिन आराम से जाएगा। 67 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, 0% से 100%।
10% तक। चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन बताकर बोर नहीं करूंगा, डायरेक्टली चलिए कुछ कैमरा सैंपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कैमरा सैंपल देखिए नॉर्मल कैमरा सैंपल है, लेकिन मेरे फेस को ना थोड़ा सा वॉश आउट जैसा कर दिया है। बैकग्राउंड ठीक ठाक मेंटेन किया है, लेकिन मेरे फेस की तरफ देखोगे या बालों की तरफ देखोगे स्काई के साथ थोड़ा सा मैचिंग लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। इस सैंपल को देख सकते हो, देख लीजिए अच्छी तरीके से फोकस ही नहीं किया है। मतलब 20,000 में एक फोन खरीद रहे हो तो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए ना। तो इसका कैमरा जो सेल्फी कैमरा सैंपल है वो मुझे उतना खास नहीं लगा। ये प्रोटेट सैंपल देख सकते हो, मेरे बालों की तरफ देखोगे तो कहीं कहीं यहाँ पे बाल भी ब्लर कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक मेंटेन करना चाहिए था या पोको को अपडेट के जरिए ये फिक्स भी करना चाहिए। ये नेचुरल सैंपल देख सकते हो, डिटेलिंग काफी अच्छा है, नेचुरल कलर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इसका जो बैक कैमरा सैंपल है वो मुझे काफी अच्छा लगा नेचुरल कैमरा के साथ। ये सैंपल देख सकते हो, बिल्कुल जो नेचुरल कलर है ना वो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो पोको कई बार नेचुरल कलर लेकर भी आता है, कभी कभार कलर वगैरह को बिल्कुल चेंज कर देता है। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल कलर नहीं है, जो फ्लावर का कलर है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे मिलता जुलता थोड़ा है, लेकिन ये कलर नहीं है, अलग डिफरेंट कलर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये सैंपल देखिए, यहाँ पे कलर वगैरह ठीक ठाक मेंटेन किया है, डिटेलिंग ठीक ठाक है। हालांकि ये प्रोटेट मोड में खींचा हूँ और प्रोटेट मोड मुझे उतना खास कुछ नहीं लगा है। ये सैंपल देखिए, एक क्लोज पिक्चर सैंपल में खींचा हूँ और डिटेलिंग मुझे यहाँ पे मस्त लगा। इसका भी डिटेलिंग देख लीजिए, इसका भी डिटेलिंग मुझे मस्त लगा। ये सैंपल देखिए, व्हाइट कलर का फ्लावर है, लेकिन ये जो फ्लावर का कलर जो व्हाइट है ना, व्हाइट कलर को ज्यादा बूस्ट नहीं किया है, तो ये मुझे पोको के फोन में और भी बेटर लगा। ये सैंपल देख लीजिए, बिल्कुल भी नेचुरल पिक्चर नहीं है, जो कलर है उसको चेंज कर दिया है और डिटेलिंग भी उतना खास कुछ यहाँ पे नहीं लेकर आया है। ये सैंपल देख लीजिए, ठीक ठाक है, उतना खास भी यहाँ पे नहीं पिक्चर सैंपल खींचा है। सच में दोस्तों इसका जो कैमरा है वो उतना खास नहीं है। इसका सेल्फी कैमरा सैंपल भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सेल्फी कैमरा तो बिल्कुल बेकार जैसा लग रहा है, और भी बेटर होना चाहिए था सेल्फी कैमरा में। प्रोटेट सैंपल भी मैं आप लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग मुझसे पूछो कि इसका कैमरा सैंपल कैसा है 100 में से, तो मैं 100 में से 40 देना चाहूंगा, इससे बेटर मैं नहीं दे सकता इसके कैमरा को। और भी बेटर करना चाहिए, अपडेट के जरिए फिक्स हो सकता है, तो यहाँ पे पोको को फिक्स वगैरह करना चाहिए ये सारे प्रॉब्लम। कैमरा सैंपल इसका ठीक ठाक है, ऑब्वियसली पोको गेमिंग के ऊपर ज्यादातर ध्यान देता है, तो इसका कैमरा उतना खास नहीं है, उतना बेटर नहीं है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी ओपन होता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर में भी कोई भी शिकायत नहीं है। आप बात करते हैं ये फोन लेना चाहिए कि नहीं। इस फोन का जो प्राइस है, मेरे पास जो वेरिएंट है 6GB 128GB 20,000 है, और इस प्राइस में अगर आप कोई भी गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो अच्छा डिस्प्ले के साथ आए, तो इस फोन के पास देख सकते हो। इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है, साथ ही साथ पोको का ब्रांडिंग है, फोन हीट नहीं होता है, ओवरऑल काफी अच्छा है। अगर आप 20,000 में कोई भी फोन ढूंढ रहे हो, पोको X4 Pro को एक बार चेक जरूर करना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, अगर थोड़ा बहुत हेल्प हुआ हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।